माय टुडे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है, अपना देश आज के दिन आजाद हुआ था, तो आज के दिन अपन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। तो आज मैं भी अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। मैं भी आज अपने स्कूल में जाऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे स्कूल में कैसे सेलिब्रेट होता है, कैसे सेलिब्रेट होता है 15 अगस्त, कैसे हम फेस्टिवल कैसे बनाते हैं, और कौन कौन अपने स्कूल में गया है, कौन कौन अपने स्कूल में जाएगा, वो भी कमेंट में बताओ। मैं तो जा ही रहा हूँ। देखो, मैं अपने परसों सैटरडे को बोल दिया था कि ग्रीन ड्रेस पहन के आना, तो देखो मैंने फुल ग्रीन ड्रेस पहन रखी है। तो फ्रेंड्स, चलो पहले मैं चलता हूँ स्कूल के अंदर, फिर स्कूल के अंदर जो सेलिब्रेट करवाएंगे उसकी मैं उसके अंदर जाके वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है वो, पहले वहां का चलता है फिर कैसे बनता है। देखिए, सवाल पूछता हूँ मैं कि ये अपना देश कब आजाद हुआ था, तो कौन सी तारीख को आजाद हुआ था? तुम्हें 10th यार 8th क्लास में हो गया, तुम्हें क्या पता है? बताओ। 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तू बता रही, तू बता। 15 अगस्त 1947। तू बताइए बाबू। चलो बच्चों, चलिए अपना देखो, ये अपना तिरंगा, ये मतलब तिरंगा में क्या है? ये अपन से इतना ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए किसी से भी, ये ऊपर हो भी नहीं सकता, हो ना शान और बाने। हाँ, अपनी मतलब इमानत है एक तरीके से,
और फ्रेंड सब इसके लिए कुछ भी बेटर सरकार ने इसको गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन गिरा दी। अपना इंडिया ऐसा ही है यार, मतलब इंडिया इच्छा इतनी जल्दी उठा। देखो आज कौन सा कौन सी स्वतंत्रता दिवस आज बताओ, कौन सा है स्वतंत्र दिवस है, आजादी का दिवस कौन सा वाला है? राइट, बिल्कुल राइट है गाइस, पता रहना चाहिए। और आपको एक और बात, नॉलेज की बात बता देता हूँ, 22 जुलाई 1947 को ना अपना तिरंगा लगाया गया था। हाँ, सबसे पहले तिरंगा कहाँ पे लगाया गया था, ये कौन से किले में लगाया हुआ था? दिल्ली में लगाया था, वहाँ पे लगाया गया था। एक बात, अरे एक बात पूछू तुमसे, ओ क्या बोलते हो अपना मतलब सबसे बड़ा वो इंडिपेंडेंस डे मनता है दिल्ली, मनता है लाल किले पे, दिल्ली बनता है आज भी मना रहा हर साल प्राइम मिनिस्टर मोदी वाले रहता था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बोलो उनको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नेम इज नरेंद्र मोदी। ये बात है ना, तो सब बोल दे पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी मैडम से सही सा स्कूल में तो कहीं बोल को नहीं, तो अब देख कर तेज बोल रही से ऊपर जा। तो गाइस आपको एक बात और नॉलेज की बात बता दो ना, बताओ गाइस, इसमें एक तीन कलर है, सबको ध्यान है तीन कलर है। यस, तीन कलर है, तो ये नारंगी वाला रंग है ना केसरिया, तो इसी ये बलिदान और प्रतीक का चिन्ह है। और बात और ये व्हाइट, और ये व्हाइट है मतलब शांति का चिन्ह है। और ग्रीन, ग्रीन मतलब वो संप्रता का प्रतीक है। बताओ इसके बीच में जो ये सर्किल के अंदर वो डंडे होते हैं कितने होते हैं टोटल? टोटल 24 होते हैं। अपना झंडा दूर जाके बता दे रहे एक बार, ये देखिए ना बात, ये ना बात अपने इंडिपेंडेंस डे की बात हुई है भाई, आपको देश आजाद हुआ। एक योजना बनाई गई थी हर घर तिरंगा, वैसे ही हर घर तिरंगा होना चाहिए, यही चाहिए हर घर, हर घर में तिरंगा होना चाहिए। सही बात यार, मैं तो मैं पहले लिया था, लिए तो आया था, मतलब बता नहीं, बता रहा हूँ मैं, हर घर में होना चाहिए, हर घर, हर घर में तिरंगा। देखो हमारे पड़ोसी भी लगा दिए, देखो देखो दिख रहा है तुम्हें बोरा, एक एक बोरा कहाँ पे, बोरा कहाँ पे, खापे भाई, देखो देखो ये रहा, चील की निकाय मेरी भाई, देखो क्या सीन लगा, क्या हमारे स्कूल के पीछे भी, देखो हमारे स्कूल पे भी लगा रहा है, स्कूल का बताऊं मैंने क्या खाता आपको, क्या यार जूमिंग करने दे, ये हमारे स्कूल का देखो भाई, इधर आके देखो क्या का पहली बता खापे, बोरा बोरा देखो, एक बोरा देखो लग रहा भाई, देखो एक बार भी देखने दिख गया, ओ भाई देखो वो, देखो वो लग रहा भाई तगड़ा है ना, और ये अपना, ये अपना अपना तो क्या मतलब सबका ही है, भारत देश इंडिया के जैसे देश है जिसमें बहुत सारी जातियां, बहुत सारी कास्ट है भाई, और सब धर्म भी करता है, ऐसे नहीं मतलब ऐसे होता है ना, मतलब तार देता है। पूछो पूछो जल्दी कौन सा दिवस, पूछो स्वतंत्र दिवस है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस है अपना, राइट बात है, और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। संविधान किसका पहले, किसका संविधान लागू हुआ था सबसे पहले? सबसे पहले देखो अमेरिका का हुआ था, अमेरिका का हुआ था, अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान बनाया था। ये कब बनाया था? ये अपने बनाया था 4 मार्च 1989 में बनाया गया था। तो आप बताओ फ्रेंड्स, सबको जितनी नॉलेज थी इंडिया के बारे में जितनी अपन ने दे दी है, बता दिए ब्लॉग के अंदर कि क्या क्या है। अब हमको 8th क्लास में पढ़ता है क्योंकि है जितनी दे दी भाई, ये देखो अब इसको भी बहुत नॉलेज थी हम ये बच्चा। तो अभी सन्नी भाई, सन्नी से पूछ लेते हैं कि इसे क्या नॉलेज है थोड़े इंडिया के बारे में, ये मुरकल देखो बैठा है यहाँ पे। तो एक बात पूछो आपको, तो आपको सीमा हैदर के बारे में क्या राय है? सीमा हैदर की बात ऐसी है गाइस, पहले तो आप पबजी बैन कर दो, दोबारा पबजी बैन कर दो, या तो पबजी तो बैन ही से पाकिस्तान ऐसा है कि हम वो लड़ाई करता है हमसे यार भाई, अपन सन्नी लेवल का किसी ने नहीं फाड़ के रख दी पूरी। सुनो पर भाई, सुनो मेरी बात, गदर में ना, गदर में आपने देखा होगा वो सीन, अशरफ अली अकेला पाकिस्तान को हिला देता है, तो पूरे अपन भारत वाले चल गए तो पाकिस्तान क्या हाल हो, क्या हाल हो बता।
पाकिस्तान को भी ऐसे बोल देना अपन की इंडिया माता हो तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो अभी जान इंडिया के बारे में कुछ बता दिया तो इंडिया पाकिस्तान वालों की शक्ल दिखाता हूँ, पास करो, जूमिंग जूमिंग हो जाए थोड़ी, ऐसे पाकिस्तान की शक्ल ऐसे ऐसे मतलब पाकिस्तान यार किसी देश की बुराई नहीं करना चाहता, मैं तो बता रहा हूँ आप। हाँ यार पाकिस्तान मतलब इंसान जो तो जाति में क्या है यार, तुम बताओ वो तो भारत है जो, आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा है ना भारत में मुसलमान है। नहीं है क्या भाई मुसलमान ओ जो ये पाकिस्तान के लोग मुसलमान बुरा मत माना, मुसलमान जो खुद ही इंडिया के नारे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगा रहे इंडिया जिंदाबाद। एक डायलॉग सुना था मैंने कि मतलब क्या था वो था कुछ भूल गया, अरे वो हम था यार कुछ भूल गया मैं बोला था मुसलमान ना ये ना क्या बोलते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं, हम सब कुछ करेंगे ना जो होता है ना मतलब हिंदू करते हैं क्या हो जाएगा इसमें, हम मुसलमान क्या हो जाएगा मतलब मुस्लिम हम जैसी राम बोले सब बोलेंगे। हाँ बोलने में होता क्या है, ठीक है तो गाइस अब राष्ट्रगान करते हैं, अभी हम राष्ट्रगान बोलते हैं, देखिए कैसे होता राष्ट्रगान। पाकिस्तान गाइस आप देख सकते हो मैं सीमा हैदर की बात बोलूंगी, सीमा हैदर ने बताया था फोन में उनकी दादाजी लड़की थी, उनका दादा है उनको 2 लाख में बेचा था, 2 लाख में, 2 लाख में सीमा हैदर को। और बताओ और भाई और सीमा हैदर के बारे में और क्या खबर आपके पास, और क्या जासूसी आपके पास? सीमा हैदर ने बताया था सीमा हैदर पाकिस्तान के उसके सीमा हैदर बस में बैठी थी, फिर उनके एक मारुति बुरी पे और छत्तीस महीना वहाँ पर रास्ते में खड़े थे, वहाँ पर गाड़ी रुकी, फिर वो सीमा हैदर भारत में आ गई। पूरी नॉलेज यार, पूरी नॉलेज सीमा हैदर के बारे में। तो गाइस सीमा हैदर के बारे में इसने इतने से नहीं इतनी बात बता दी नॉलेज की, ये देखो आप। और गाइस अब राष्ट्रगान स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये बता दूं राष्ट्रगान में कभी हिलना नहीं चाहिए, आप हिल जाते हो तो ये अपने देश के खिलाफ होता है। तो अभी राष्ट्रगान स्टार्ट करेंगे, ठीक है तो झंडा ऊपर ही रहना चाहिए, कभी नीचे नहीं रहना चाहिए गाइस। तो स्टार्ट करते हैं, लगाओ भाई लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, ठीक है अच्छी तरह से खड़े हो। तो गाइस मैं भी हो जाता हूँ खड़ा, बीच में आ जाए झंडा, बीच में रहना चाहिए, देखो सबसे मेन बात सीधा, देखो स्टार्ट करते। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविण उत्कल भंग विंध्यमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे दाल बाटी चूरमा हम भारत के चूरमा, ये बात ही। तो फ्रेंड्स देखो मतलब हम स्कूल में तो गए नहीं, अलग अलग स्कूल में आते हैं, सेंट लॉरेंस में जाता है, मधु में जाता है, मैं अलग में आता हूँ, मेरी स्कूल तेरी, तो हम एक स्कूल तो मैं स्कूल में मतलब इतने से बच्चों की इतनी नॉलेज है। तिरंगा है, इसी के साथ हम व्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप देश के लिए एक लाइक तो करके जाना, देश के लिए अपने मतलब अपने इंडिया के लिए, और कमेंट में बताओ आई लव इंडिया जरूर लिख के जाना कमेंट में। और थैंक यू आपको इतनी हमारी ब्लॉगिंग अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार बहुत इतना मिल रहा है कि हमारे छोटे भाई आप हमारे बड़े भाई, बस यही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।